जब मैं घर में जाता हूँ तब मैं आपको याद करता हूँ, कल गुरु जी के पास में जाना, सेवा करना ठाकुर को। अगर यहाँ पर रहूंगा ना वो बीवी बच्चे को याद आऊंगा, मेरी बीवी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसलिए गुरु जी भी क्या करनी चाहिए। बोले बात तो सही बताते हो। बोले बोले ठीक है बेटा चले जा। बोले गुरु जी बीच में एक नदी पार करना पड़ता है, ये नदी को कैसे पार करूंगा। बोले देख मैं एक मंत्र देता हूँ, ये मंत्र को तुम अच्छी तरह से पकड़ लेना, पर पानी को ऊपर में चलते 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 पार हो जाओ। गुरु जी पेपर में एक मंत्र लिख करके दे दिया, उसको विश्वास करके पकड़ लिया। गुरु जी ने बताया सचमुच से देखा पानी को ऊपर को चलते चलते जा रहा था। बोले गुरु जी ने क्या मंत्र दिया जो मैं पानी को ऊपर चलते चलते जा रहा हूँ, अभी धीरे धीरे पार होने ही वाला। सोचा इसमें देखो तो सही इसमें क्या लिखा हुआ है। जब वो पेपर को खोला है ना उसमें लिखा हुआ था हरे कृष्णा 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 बोल रहा हूँ आपको नहीं बोल रहे हरे राम 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 हरे हरे बार सब से बोलो बोला हरे हाथों में जो कुछ करो रसोई बनाओ
आदत जो भोग लगेगा, घर को साफ सुथरा करो। बोले भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे लगा रहा हूँ, कोई भी काम करो ठाकुर जी की सेवा मान के भी करो, और हाथ में कान और मुंह में ठाकुर जी की नाम को लेते थे। जब सबके सब ढेर सात दिन तक आकाश में जब कथा की विश्राम हो गई, जितने लोग वहां पर बैठे थे सभी के लिए वैकुंठ से रथ है। सबके सब रथ में बैठी करके सबके सब भगवत लोग उठाने लगे। लेकिन जो कथा सुना रहे थे, कौन कथा सुना रहा था? श्री गोकर्ण। ये गोकर्ण ने कथा सुना रहे थे, लेकिन विशेष करके सबको तो लेकर के गए, लेकिन गोकर्ण को विशेष आदर गए, सम्मान को साथ मिली। बोले क्यों? बोले इनकी कृपा से ही सबको भगवत गति इनकी कृपा से ही प्राप्त हुई, ना इनकी कृपा से ही प्राप्त हुए। इसे बस भागवत कथा भागवत कथा मृता की जय जय श्री राम। बल्कि भागवत कथा की जो महिमा, ये दो पुराण में कथा की महिमा है। पहला तो पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण की है। हम थोड़ी सी स्कंद पुराण की कथा सुनते हैं। स्कंद पुराण की जो महिमा बड़ी प्यारी, वृंदावन की कथा सुनते। जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार से चले गए, मैया कुंती ने देखा जब कृष्ण ही नहीं, फिर कहा गया क्या बात है? मैया कुंती भी अपना शरीर को त्याग दी। पांडव ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे, फिर हम क्यों रहेंगे? पांडव भी श्री युधिष्ठिर महाराज, श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर में राज सिंहासन में राज तिलक लगा करके, और वृंदावन का राजा बज्रनाथ को वृंदावन का राजा बना करके पांडव भी संसार से चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में श्री बज्रनाथ से मिले। बोले बज्रनाथ सब कुशल मंगल है ना? बोले हाँ सब तो कुशल मंगल है, लेकिन मेरा जो मन है ना बड़ा उदास है। बोले इसलिए देखो राजा को तभी शोभा देता है जब प्रजाएं हो। देखिए वृंदावन में कोई है क्योंकि भगवान कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ के गए, संपूर्ण ब्रज में जितने गुल्म लता पशु पक्षी हैं, जब तक वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई दाल दाल और पत्र पत्र से जाते जाते, इसे वृंदावन का जो पेड़ पौधा लता पता वृक्ष कोई कोई साधारण नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण जब गए, सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए। इसलिए ब्रज ने एकदम सुनी सुनी ब्रज को कोई है ही ब्रज, इसलिए मन तो बड़ा उदास है। लेकिन परीक्षित महाराज को ये बता रहे, कृष्ण तो एक स्वरूप में गए, लेकिन दूसरे स्वरूप में भी अभी कृष्ण संपूर्ण रूप में वृंदावन में मिले। ये बात श्री परीक्षित महाराज को पता, तो उन्होंने उनका कुलपुर के जो शांतिल ऋषि को उन्होंने बुलाया। बोले शांतिल ऋषि जी, आप थोड़ी सी ये वृंदावन की महिमा को सुना। शांतिल ने कहा देखो भगवान की लीला दो तरह का है, एक तो व्यवहारिक लीला और एक लीला वास्तव लीला है, सही लीला है। साधारण रूप में देखो कृष्ण संसार से चले गए, लेकिन वास्तव रूप में देखोगे कृष्ण कहीं नहीं, कृष्ण अभी कहीं नहीं गए, अभी भी पूर्ण रूप में कृष्ण है। प्रताप को तो गए हो, हाँ तो क्या हो प्रताप? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय Oh,
Oh,
कृष्णा कहीं नहीं गए, कृष्णा खुद कह रहे हैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी नहीं कहीं बाहर जाता है। इसलिए आप लोग वृंदावन गए हैं, कौन कौन गए वृंदावन, वृंदावन कौन कर गए, आप देखना वृंदावन में दो बहन है, एक है मिधु बहन और एक विभु जगत, अभी भी उसका चमत्कार का देखने को मिलती है। वहां शाम को जाओ देखना बहुत सारे बंदर रहते हैं, लेकिन शाम होते ही ये बंदर अपने आप निकल जाते हैं, कोई निकालते नहीं। वहां ठाकुर जी के लिए फूलों की सज्जा रखता है, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू और दामदन रख लेते हैं। सवेरे जाकर के देखो ऐसे लगेगा मानो कोई रात को आए और उसको भी सज्जा होकर उन्हें विश्राम कर सकते। लोटे में कोई पानी नहीं मिलेगी, कभी लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई चोर जबरदस्ती डूब जाएगा वो शरीर छोड़ देगा, ये तो बुला हो जाएगा। उसी बन को पास में अपना मंदिर है, गुरु जी का मंदिर है। मैंने तो दो घटना को देखा, एक माता जी को तो शरीर छोड़ते हुए देखा और एक को पागल होते हुए देखा, क्योंकि ठाकुर जी की लीला दर्शन करने का बाद ये शरीर नहीं रह जाता है, नहीं तो वो बोलने का लायक ही नहीं रह जाता है। ऐसे प्रभु की विचित्र लीलाएं थी, अभी भी प्रमाणित श्री वृंदावन धाम में जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, अरे भगवान किसने देखा है, वृंदावन बात है। एक बार वृंदावन में जाओ और ये विधुवन और विधुजुवन इनका दर्शन भी देख लो, फिर तो पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं है, आप काफी आप पता चल जाएगा। इसलिए भगवान वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसलिए वहां नंदगांव में कोई नंदगांव गए हो, कौन कौन नंदगांव गए हैं, वहां पर एक तेल नगर है, वहां पर एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री रूप गोस्वामी। ये दो भाई थे, रूप और सनातन दो भाई थे। उसी समय बंगाल के जो ये एक था प्राइम मिनिस्टर तबाव था, एक था प्राइम मिनिस्टर और एक था कोषाध्यक्ष। लेकिन जब उनकी कृष्ण भक्ति की चस्का लगी दोनों भैया को, कभी कभी हम तो रिश्वत दे करके नौकरी करते हैं, लेकिन इन्होंने रिश्वत दे करके नौकरी छोड़े, जानते हो कितना रिश्वत दिया है। उसी समय में 10,000 स्वर्ण मुद्रा, इतने पैसा उन्होंने रिश्वत दिए और नौकरी को छोड़े। और ये ऐसे संत हुए हैं, हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी इनको दर्शन करने आते, इतने बड़े संतों को हुए, इतने बड़े। एक समय श्री सनातन गोस्वामी बड़े भैया छोटे भैया के पास में आए, दोनों अलग अलग रहते थे, कभी कभी एकत्रित तो दोनों होकर आपस आपस में हरी चर्चा करते थे। एक दिन बड़े भैया छोटे भैया के पास में आए और दोनों कृष्ण कथा में इतने रम गए, इतने रम गए। अभी छोटे भैया सोच रहे हैं बड़े दिनों में बड़े भैया है, इनको कुछ खिलानी चाहिए। उन्होंने सोचा इनको बड़ा प्यार खीर इनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस समय घना और जंगल है, कुछ भी नहीं, एक दो कोई घर नजर आ। अभी इनकी मेहनत में भैया को मैं खीर खिला, अभी इनको खीर कौन खिलाएगा। इतने में स्वयं राधा रानी छोटी सी बालिका और दूध चीनी ताजे किशमिश लेकर के आ गई, बोले बाबा बाबा लो आप खीर बना करके खा लेना। बोले लाली कोई बात नहीं, तुम चले जाओ बना के खा लो। लेकिन इनकी तो खाई समाप्त नहीं हो, है राधा रानी घूम फिर लेकर आती। बोले बाबा कोई चिंता मत कर, मैं बना देती, तुम दोनों कथा करते रहो। राधा रानी स्वयं खीर बना के दे रखी है। बोले ठाकुर जी को भोग लगा के खा लेना। बोले लाली कोई चिंता मत करो। बड़े समय पर जब कथा की विश्राम हुई, बोले तुझे लाली बोली हमने खीर बना के गई, सचमुच से देखा खीर है। तब उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके हमने बड़े भैया श्री सनातन गोस्वामी को दिया। जब सनातन गोस्वामी खीर खाए, जीवन में तो बहुत खीर खाए, लेकिन जीवन में इतने बढ़िया खीर, इतने स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए। क्यों? खीर बनाया किसने? किसने बनाया? राधा रानी।
और भोग किसको लगा? जगन्नाथ को भोग लगा, श्री कृष्ण को भोग लगा, और भोग लगाया किसने? भगवान के शुद्ध भक्त ने। तो उसमें कितने स्वादिष्ट नहीं होगा, वो खीर को खा करके उनका तो रोग रोग नहीं उठा, आनंद में हृदय भर गया। उसने पूछा, छोटे भैया को तुमने मैंने कुछ सोचा था? बोले हाँ, आप बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था आपको खीर खिलाऊं। बोले भैया ये बताओ, ये घना घोर जंगल में कौन तुम्हारी भावना को समझे और ये खीर बना के जाए? वो जो लाली है ना, ये और कोई नहीं, वो स्वयं राधा है। ये खीर को खा करके देखो कितने इसमें कितने स्वाद है, कितने जब उन्होंने खाए उनका हृदय भी प्रेम की गदगद हो गया। तो उन्होंने राधा रानी से माफी मांगी, बोले हे राधे, कहां आपकी सेवा करनी चाहिए, आप स्वयं आके हमारी सेवा करके गए। फिर उनके चरणों में माफी मांगते। तभी सो कलियुग की कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य महाप्रभु के ये भक्तों का जीवन चरित्र है। और उनका जो बड़े भाई तो छोटे भाई, जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी ये वृंदावन में रहते थे, इनका नित्य नियम था रोज से गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करना। और मथुरा में श्री ठाकुर जी मदन मोहन रहते थे और उनको दर्शन करके आते थे। ये जो मदन मोहन जी कभी एक चौबे चौबे आपको पता है, मथुरा में जो ब्राह्मण है कोई तीन वेद पढ़ने वाले, कोई चार वेद को पढ़ने वाले, जो चार वेद को पढ़ते ही उनकी पत्नी का नाम चौबे चौबे उनको कहते हैं। उनकी घर में ठाकुर जी रहते थे, माता जी के हृदय में कितने प्रेम कितने प्रेम। उनका एक बेटा था, वो मानती थी मेरे दो लाला है, एक तो अपना बेटा है जिसका नाम था सदना, और ये जो मदन मोहन को प्यार से बोलता था मदना, तो ये मेरे दो लाला है। सचमुच से ठाकुर जी की गोद में बैठे खिली का बेटा, और ये दोनों बच्चों को ये लालन पालन करती थी, और सनातन गोस्वामी रोज इनके दर्शन करते थे। कभी गुल्ली डंडा खेलते हुए, आपस आपस में कभी कुश्ती लड़ते हुए, रोज रोज उनको दर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने देखा उनकी माता जी उनके लिए खीर बना रही थी, उनके लिए खिचड़ी बना रही थी। बोले खिचड़ी कैसे बना रही थी? इधर दातन कर रही थी, अभी स्नान भी नहीं किया, शौच क्रिया भी नहीं किया, उसे बासी कपड़े में इधर दातन कर रही थी और उधर खिचड़ी चला रही थी। वो बाबा ने कहा, बोले माता जी ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रहे हो, अरे कम से कम स्नान करके पवित्र होकर के खिचड़ी बनानी चाहिए ना, अभी कपड़ा छोड़े नहीं, दूसरे तरफ एक हाथ में दातन कर रहे हो, दूसरे हाथ में खिचड़ी चला रहे हो, ये अपराध लग जाएगा। ऐसे नहीं, ठाकुर जी के लिए पहले कहीं जाओ, जमुना स्नान करो, शौच क्रिया करो, उसको बाद वस्त्र पहनो, फिर तो बनाओ। बोले बाबा हम मूर्ख आदमी क्या जानता भक्ति भक्ति। बोले ठीक है, कल से ऐसे करूंगी। वो बाबा रोज जाते थे, पहले तो आटा दिमाग उनको था ही नहीं, पहले तो जंगल में जाओ शौच क्रिया के लिए, फिर यमुना में स्नान करो, समय लगता है। वो माता जी गई, अभी जैसे बच्चे सवेरे उठते हैं ना, उनको भूख लग जाती है, देखा स्वयं ठाकुर जी और उनको बच्चा दोनों बैठे तो रो रहे थे। बोले भैया भूख लग रही है, भैया खिचड़ी खिला दे, भैया भूख लग रही है, वो रो रहे थे। सनातन गोस्वामी ने जब ये लीला को देखा, बोले देखो आज पवित्र बन करके आज खिचड़ी बना करके खिलाएगी, लेकिन ठाकुर जी रो रहे हैं, रोज अपवित्र अवस्था में खिचड़ी खिला दे, ठाकुर उसमें खुश हो। जब वो माता जी वापस आए ना, बोले देखो माता जी आपको स्नान करने का कोई जरूरत नहीं, आप जैसे खिचड़ी खिला दूंगी वैसे ही खिचड़ी खिला, क्योंकि हमने देखा ठाकुर जी को रोते हुए, क्योंकि भाव की भूखे प्रभु है ठाकुर जी, केवल भाव की ही ठाकुर की भूखे और किसी चीज की भूखे नहीं। क्योंकि जैसे भैया जैसे बच्चा नींद से उठे, अगर बोले हम दूध पान करेंगे, भैया स्नान करने का जरूरत है? भैया जिसी अवस्था में रहेगी वो उसी अवस्था में ही बच्चे को खिलाती है, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, इसलिए इनके अंदर में बात्सल्य रस है। ठाकुर जी कई सही कहते, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले बाबा मेरे को वृंदावन में ले चलो।
मैं तेरे साथ में वृंदावन जाना चाहता हूँ। बोले भैया यहाँ पर रोज रोज हाँ कभी खिचड़ी कभी राबड़ी कभी दूध कभी मलाई इतने बढ़िया बढ़िया चीज तेरे को मिल रहा है पत्थर है और मेरे पास में तो सूखा रोटी सूखा टिक्का बगैर नमक के खाना पड़ेगा। बोले तू जो जो करके कोई खा लो को। बोले लाला नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी तभी तेरा पेट नहीं भरता था और तू जा करके घर घर में चोरी चोरी करके खाता था और मेरे पास में रहोगे। बोले बाबा जैसे तो मैं वैसे खा लूंगा। बोले देखो तेरे को उठा करके नहीं ले सकता हूँ फिर पीछे पीछे चलना पड़ेगा चल चलते जाओगे। बोले तू जैसे बोलोगे वैसे चले जाऊंगा। ठाकुर जी उनको पीछे पीछे वृंदावन से चलते 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 वृंदावन तक आगे मथुरा से चलते चलते वो आ गए वृंदावन तक आ गए। ठाकुर जी हाँ अभी पापा जैसे खाते हैं वैसे खिलाते हैं बगैर नमक मिट्टी दिया एक दिन खिलाया दो दिन जब तीसरा दिन हो गया ना ठाकुर जी बोले बाबा सब्जी तो देता ही नहीं सब्जी तो देता ही नहीं अरे कब से कब थोड़ा नमक तो दे दिया कर ये गले के नीचे नहीं उतरता है हाँ गले से नीचे नहीं उतरता है। बोले तुमको मैंने पहले ही बताया था नंद बाबा की 9 लाख पहिया रह करती तभी तेरा पेट नहीं भरता था दूसरे घर में चोरी चोरी कर खाता था पहले तेरे को मैंने बोल दिया था तो सुना नहीं आज बोलोगे नमक कल बोलोगे थोड़ा मिश्री दे दो तेरे बोले थोड़ा मक्खन लगा दो तेरे बोले सर राबड़ी तो भैया मैं कहाँ लगाऊंगा मेरे बस की बात नहीं अगर बढ़िया बढ़िया खाना है ना अपनी आप को जुटा ले। अरे ठाकुर जी अपनी आप उन्होंने जुटा लिया अपनी आप उन्होंने जुटा लिया इसलिए यहाँ पर श्री सांडिल ऋषि ये बज्रनाभ की बात कह रहे हैं। बज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में विद्यमान है। अभी प्रश्न है अरे हमें क्यों नहीं मिलता ठाकुर जी हमें क्यों दर्शन भाई का संपर्क है जो प्रदेश अभी प्रश्न है अरे हमें ठाकुर जी क्यों नहीं मिलते हमारे संप्रदाय में और एक संत थे जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु जिन्होंने हमारे उड़ीसा में संपूर्ण भगवत भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। जब उन्होंने गुरु जी को पास में आए गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करो ना विवाह नहीं मिलेगा अभी भी राधा रानी ये निकुंज वन में मृदु वन में अभी भी लीला करते हैं तो रोज वहां झाड़ू लगाया करना और झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी के चरण की उनको बहुत प्राप्त एकदम सोने के नुकुर प्राप्त हो गई। उन्होंने गुरु जी को दिखाया बोले गुरु जी हम झाड़ू लगाते लगाते जंगल को बीच में ये सोने के नुकुर मिली। उनको गुरु जी साधारण थे नहीं वो बहुत बड़े संत श्री जी की उपमा के वो तो देख करके पहचान गए। बोले तो ईश्वर जी की चरण की नुपुर है। बोले देख बेटा राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाए अगर कोई आए ना मांगने के लिए बिना नहीं बोलना जिनकी चरण की नुपुर तो स्वयं आए और अपना हाथों में मैं पहना दूंगा। अभी ललिता मिश्रा का रूप बदला करके आए बोले बाबा बाबा हमारे घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी कहीं प्यार की नुपुर घूम गई तेरे को मिला है। बोले मिला है बोले ये हमारे घर की बहू की दे दो। बोले जिनकी चरण की नुपुर को स्वयं आए अपना हाथों से मैं पहना दूंगा वहां पर राधा रानी और ये बाबा अपना हाथों से राधा रानी के चरण में पहनाए इसे कौन है चैतन्य महाप्रभु का समय की से बात है। इसलिए सांडिल्य कहते बद्रीनाथ कृष्ण कहीं नहीं गए अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में ये वृंदावन में गए लेकिन उनको दर्शन करना तो कैसे दर्शन करनी चाहिए। बोले प्रेमांजन चरित भक्ति संत सदैव हृदय सो विलोकयन्तम् जन श्याम सुंदरं वचीर्तं गुणस्वरूपं गोविन्दकमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं जब हम मेरी आंखों में प्रेम रूपी अंजन काजल लगाए लेकिन हमारी आंखों में कौन सा काजल लगा हुआ
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसी आदतें लगाएं। इन्हीं जड़ नेत्रों से हमें प्रभु दर्शन नहीं होता है। कोई कोई कहता है तुमने भगवान को देखे हो, ठाकुर जी को तुमने देखा है क्या? जैसे हिरण्यकश्यप प्रह्लाद से पूछे, बोले बताओ तेरे भगवान कहाँ है? प्रह्लाद ने क्या बताया? बोले पिताजी ये तो बताओ मेरे प्रभु है नहीं कहाँ, ये तो बताओ मेरे प्रभु तो कणकण में विद्यमान है। बोले ये खंभे में क्या है? बोले मेरे को दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए। बोले पहले तेरे ठाकुर को दिखा था, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने मार उन्होंने मुष्टि का घात और खंभा फट गया, स्वयं नरसिंहदेव प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। हर जो देखा लेगा जगन्नाथ महाप्रभु की बलदेव प्रभु की सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तभी ठाकुर जी का दर्शन मिलेगा जब इन आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाएंगे। बोले इनको किसको दर्शन होता है? बोले संत सदैव हृदय सुलोकयतम। इसको जो शुद्ध संत है हर समय अपना हृदय में ठाकुर जी को दर्शन करते रहते। इसलिए जब श्री वज्र श्री सांचे जी से ये बात बताए, बोले बताओ अभी कैसे मिले? बोले एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बताओ। बोले कृष्ण तो संसार छोड़ गए, चले गए। अभी धीरे धीरे ये ब्रज का जो लीला है वो धीरे धीरे ये लीला स्थली धीरे धीरे लुप्त तो होते जा रहा है। पहले तुम ये लीला स्थलियों को प्रकाश करो और ठाकुर जी को प्रकाश करो, फिर ठाकुर जी की कृपा होगी ना, फिर तुमको ठाकुर का दर्शन मिलेगा। फिर मैंने ठाकुर को जितने लीला स्थली है कहाँ पर कृष्ण लीला दिखा, उन्होंने हरिदेव को स्थापन किया है, कहाँ पर कृष्ण राधा ने कहा मान की थी, दी अड्डी नंदगा बरसाना, प्रभु जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर लीला की थी, लीला के अनुरूप उन्होंने लीला स्थलियों को उन्होंने स्थापन किया। और विशेष करके उन्होंने तीन ठाकुर को स्थापन किया, गोविंद गोपीनाथ और श्री मदन। बहुत सारे ठाकुर उन्होंने स्थापन किए, लेकिन ये तीन ठाकुर मुख्य रूप में ये तीन ठाकुर है। लेकिन ये तीन ठाकुर पहले वृंदावन में थे, लेकिन जब औरंगजेब मुसलमान का राजा औरंगजेब जब उसने आक्रमण किया वृंदावन के ऊपर में, सारे मंदिर को तोड़ फोड़ करने लगे, राजा मान सिंह ने ये सारे ठाकुर जी को वृंदावन से ले गए जयपुर में ले गए। अभी ये सारे ठाकुर जयपुर में, लेकिन एक ठाकुर अभी करल में, बता दो कौन सा ठाकुर करल में? कौन ठाकुर जी? हाँ कहती है मदन मोहन अभी करल में। बोलते भाई की कथा सुन, जब राजा मानसी का एक बेटी थी, ध्यान दे रहे सुनो, राजा मानसी का आप नाम सुने होंगे, ये बड़ा कृष्ण भक्त था, रानी भी बड़ी कृष्ण भक्ति थी, लेकिन इनकी घर में जो बेटी हुई, अभी पिता माता का संस्कार बेटी को ऊपर पड़ती है, अब ये बेटी की राजकुमारी बड़े कृष्ण भक्त थे, अपना हाथों से ये मदन मोहन जी को ये श्रृंगार करती थी, मदन मोहन को स्नान कराया करती थी, सुला देती, इनको खिला देती। अब ठाकुर जी को सेवा करते करते ठाकुर जी को साथ में इनके प्रेम हो गए। देखो आप जिसकी सेवा करोगे ना उसको साथ में प्रेम होगा ना, संसार में स्त्री का प्रति हमारा प्रेम क्यों, उसकी सेवा करते हैं, बच्चे के प्रति प्रेम क्यों, हम उसकी सेवा करते हैं। आप जिसको सेवा करोगे धीरे 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 उसको साथ में आपको संबंध बन जाती है। अभी इनकी सेवा करते 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 इनको साथ में पूरा राजकुमारी की प्रेम हो गई। अभी राजकुमारी की शादी के लिए राजा करौली का जो राजा उसको साथ में उन्होंने तय किया, इनको साथ में हम शादी कराएंगे। बोले बेटी मैं दहेज रूप में जो दूंगा सो तो दूंगा, लेकिन तेरी मन में अगर कोई इच्छा हो तो मान लो। बोले पिताजी भले ही मेरे को दहेज रूप में कुछ दो और मत दो, हमें ये जो मदन मोहन ठाकुर जी ये दहेज रूप में दे दो। लेकिन ठाकुर का नाम ही मदन मोहन है, बड़े सुंदर ठाकुर है। राजा ने कहा देख बेटी तू और कोई ठाकुर को ले लो, लेकिन ये मदन मोहन को मैं नहीं दे सकता। बेटी ने बोली महा पिताजी
तभी मैं शादी करूंगी जब दहेज रूप में बदन मन करूँ, नहीं तो मैं शादी करने वाले नहीं। अभी बेटी और पिता की लड़ाई हो गई, पिताजी कहते तो मैं दुर्गा नहीं हूँ, बेटी कहते तभी शादी करूंगी जब ये ठाकुर जी को दोगे। अभी तो बेटी को शादी देना ही पड़ेगा ना। राजा ने कहा देख बेटी, ये मदन मोहन जी को साथ में तुम्हारी प्रेम है, लेकिन मैं परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले मेरे पास में बहुत सारे ठाकुर है, सारे ठाकुर को मैं खड़े कर दूंगा और तुम्हारी आंखों में ताला पट्टी बांध करके छोड़ दूंगा। जिस ठाकुर को तुम पकड़ोगे उसे ठाकुर बनूंगा। बोले कोई बात नहीं, अभी कल रात तुम्हारी की परीक्षा होगी, ये दहेज रूप में कौन सा ठाकुर ले जाएगा। जब ये राजकुमारी रात को सोई, बड़े रो रो करके ठाकुर जी से प्रार्थना किया, बोले हे मदन मोहन, तू तो मेरे प्रेम को जानते हो, मैंने सुना है तू प्रेम का ठाकुर हो, तुम प्रेम का ठाकुर हो, तेरे को खिलाए बगैर मैं खाती नहीं, सुलाए बगैर मैं सोती नहीं, अपना हाथों से तेरे को मैं श्रृंगार करती हूँ, असली पति तो तू है ना। अभी ऊपर में शादी करना पड़ेगा इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन कहना ऐसे बर को क्या भरे जो जन्मे और मर जाए, पर बरी और गोपाल दुसो जब जुड़ल अमर हो जाए। ये कहना आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, तुझे श्याम सुंदर आप लोग वृंदावन गए हैं। आप देखना
वृंदावन तो वृंदावन का राजा तो कृष्ण ही नहीं, लेकिन आप देखना वृंदावन में किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं समझता। वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण बोलते हैं क्या? बोल रहे और जोर से आप वृंदावन में सबके सब राधा जी का नाम लेते हैं, कोई कृष्ण का नाम नहीं लेता है। तो क्यों? कारण क्या है? कृष्ण खुद कहते हैं कृष्ण अगर कोई रास शब्द केवल बोलते, कृष्ण चिंता में पड़ जाते हैं भैया इसको मैं क्या दूं, इससे दीदी से कैसे मैं मुक्त हूं। कृष्ण देखते ये विश्व ब्रह्मांड में रा अक्षर का विनिमय में देने के लिए कुछ भी नहीं कृष्ण के पास। फिर कृष्ण अपने आप को देते थे, बोले भैया आज से मैं तेरा ही व्यक्ति, मेरी राधा रानी का रा अक्षर तुमने बोला। लेकिन जब धा बोलते हैं रा और धा, अगर ये दो अक्षर कोई बोले ना कृष्ण कहते थे तो उसको पीछे पीछे भाग कर रहता और जिधर जिधर चलता है ना मैं उसको पीछे पीछे चलता हूँ। इसलिए आप लोग मेरी भजन सुने होंगे, भले राधे राधे रटो चले आए मेरी रानी, 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 आए मेरी रानी चले आए मेरी रानी, आए मेरी रानी चले आए मेरी रानी, हरे राम 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 राम।
चलते हैं, उसकी जो मंगलाचरण में जो श्लोक है, जो मंगलाचरण का जो मंगलाचरण है, कहते श्री जगन्नाथ की कुछ भक्त लोग होते हैं जिनका नाम है देवदास। कहते ये देवदासी कौन है? बोले जो स्त्री ना माता है कभी किसी में शादी नहीं करती, अपना जीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जीवन को बिताती है और जगन्नाथ जी को ही अपना पति मान लेती है। ये लोग ये भजन को जब तक जगन्नाथ जी नहीं सुनते हैं, जगन्नाथ जी इसी भजन को सुनकर के सोते हैं, जब उठते हैं इसी भजन को सुनकर के उठते हैं। जगन्नाथ जी गले में जो माला पहनते हैं और एक एक तुलसी पत्ते को ऊपर में और एक एक श्लोक को लिख करके जगन्नाथ जी गले में ये माला पहनाते हैं, तभी जगन्नाथ जी इस माला पहनते हैं। जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन है उसी चंदन को पहनते हैं जिसमें ये गीत गोविंद की श्लोक लिखा हुआ, उसी वही वो पहनते हैं, नहीं तो जगन्नाथ जी नहीं पहनते हैं। हम एक कोई एक देवदासी थी वो बैगन तोड़ रही थी, अब बैगन तोड़ते समय ये भजन को गा रही थी, ये गीत गोविंद का मंगलाचरण को गा रही थी। इसका मैं दो लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग उसको पीछे पीछे सुना, अगर बोल सकते बोल सकते। बोले जय जय दे बाहरे जया जया दे जगन्नाथ जी चुपचाप सो गए। समय पूजा की दरवाजा खोले,
दरवाजा खोल कर देखा जगन्नाथ जी शरीर में जितने कपड़े सब फटे हुए, शरीर में सब कांटा की दाग पड़ा हुआ है। पुजारी सोचे ठाकुर जी का रात को हमने नया वस्त्र धारण कराया, ये सब फटे हुए कैसे हैं? और मुंह में थोड़ी सी आग लग गई, तो
दो तीन बार चला कर जगन्नाथ ने लिया कि वो कार्तिक के महीना और दिया बुझने जा रहा था और ज्वार क्या कर दिया तेज लग गया, तेज नहीं मान गए उसने आग बुझा। दो तीन बार चला कर गए मैं चला नहीं मान आरती लगाते हुए मेरे सामने उसने देखते थे। अगले जीवन में कौन सा जन्म लिया राजकुमारी होने की जन्म हुई और उनकी हृदय में भक्ति की भावना बनी रही और भक्ति करते करते बोलो वृंदावन में ठाकुर जी अपना भगवान बना। अगर ये चूहा को ये गति मिल सकती है अगर कोई प्रेम से ठाकुर को सामने नाचे तो देखो हम संसार में सभी नाच रहे हैं पता कौन नहीं नाच रहा है। कोई बीवी को सामने नाचता है, कोई पति को साथ में, कोई बेटी को साथ में, कोई बेटा को साथ में, कोई पैसा को साथ में, नहीं तो 84 लगते जब में हम नाच ही रहे हैं। लेकिन कब तक नाचोगे बोले जब तक ठाकुर को सामने नहीं नाच गए। एक बार अगर ठाकुर को सामने नाच लो ना फिर तो किसी को सामने नाचने का जरूरत नहीं। अगर ठाकुर को सामने नहीं नाचा फिर तो दुनिया के सामने नाचना पड़ेगा। अभी तय कर लो किसके सामने नाचना ठीक है। एक बार सत्संग खड़े हो जाओ सब टांग पर सत्संग सीधा कर दो तो बैठ बैठ के टांग खड़े हो गया मोहन सिंह तुम्हारा Thank you.
उधर कीर्तन किया और कीर्तन का प्रभाव से उधर जी वहां पर घास बजने के भजन कर रहे थे, स्वयं उधर जी कर रहे थे। तब महिषी ने उद्धव जी से प्रश्न किया कि उद्धव जी, कृष्ण तुम्हें ही ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम लोग कृष्ण बिना पड़े थे, अभी तुम बताओ अभी कृष्ण हम लेंगे। उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने यही प्रश्न मैंने कृष्ण को दिया, अभी तुम तो ये दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, अभी हम लोग तो क्या करेंगे। तो उसी समय कृष्ण ने मेरे को ये बात बताए, बोले हे उद्धव जी, मैं तो एक स्वरूप से यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में मैं दूसरे रूप में भी रहूंगा। बोले प्रभु किस रूप में कलयुग में रहोगे? बोले एक श्रीमद भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ नहीं मैं स्वयं। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत में द्वादश स्कंद है, वो 12 खंड है। बोले 12 खंड में जो प्रथम द्वितीय स्कंद ये ठाकुर जी की दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की दो गुरु है, पंचम स्कंद ठाकुर जी की नाभिका है, षष्ठ सप्तम स्कंद ये ठाकुर जी के दो भुजा है, अष्टम स्कंद ये भगवान की गगन स्थल, नवम स्कंद ये जगन्नाथ जी कंठ है, दसम स्कंद ये ठाकुर जी की मुखारविंद, एकादश स्कंद ठाकुर जी ललाट और द्वादश स्कंद ठाकुर जी का सर। ये कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ये भागवत नहीं ये भगवान कृष्ण स्वयं। प्रतमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम सुविधा प्रदारम अपार संसार समुद्र से तो भयामय भागवतम स्वरूपम। इसलिए भागवत स्वयं ये कृष्ण रूप है। अगर ये कलयुग में ये भागवत कथा कोई श्रवण करे, कृष्ण कहते हैं कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, जो कथा सुन रहे हैं और डायरेक्ट रूप में मेरे साथ मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग कथा भी सुन रहे हो, साक्षात वाक्य ध्यान से हम साक्षात प्रकार कर रहे हैं। कृष्ण भागवत कथा वृंदावन की जय। इतने में महिषियों ने बताया, तो उद्धव जी है तो हमें भागवत कथा सुनो। श्री उद्धव जी जहाँ पर श्री मानसी गंगा, जहाँ पर श्री कुसुम सरोवर और जहाँ पर उद्धव कुंड, सबसे पहले उद्धव जी महिषियों को वहीं पर भागवत कथा सुना। भागवत कथा जब विश्राम हो गई, भागवत कथा से स्वयं कृष्ण राधा रानी समस्त ब्रजवासी ये भागवत कथा से प्रकट हुए, पर महिषियों से मिले, महिषियों का अंदर जो कृष्ण विरह थी वो विरह का दूर हो गया। मतलब है अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे ना, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो विरह वो विरह नहीं रहेगा, क्योंकि कथा रूप में भगवान स्वयं हमारे साथ में मुलाकात ठाकुर जी की होगी। तब श्री उद्धव जी ने कहा, देखो मेरे गुरु जी मेरे को भी सुंदर कथा सुनाए थे। बोले क्या सुनाए थे? बोले जिस समय भगवान जगन्नाथ जी ये दुनिया को जगन्नाथ से सृष्टि की, उन्होंने तीन देवता को उन्होंने सृष्टि किया था, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है ये जगत को सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारे काम है जगत को संहार करना, और विष्णु को बोले तुम्हारा काम जगत को पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी बोले, बोले प्रभु आपका आदेश को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? जगन्नाथ जी आदेश दिए, बोले अगर ये 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनोगे ये रजोगुण तुम्हें व्याप्त नहीं कर सकता, और ये भागवत को प्रभाव से ये दुनिया को तुम सृष्टि कर सकते हो। इतने में शंकर जी बोले प्रभु ये संहार करना ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मेरी मुक्ति कैसे मिले? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं माता पार्वती बैठ करके कथा सुनती है। बोले कितने दिन में कथा
विश्राम करते हैं, बल्कि एक साथ शंकर की बड़े सुंदर रूप में व्याख्या करते हुए कथा सुनाते हैं। क्योंकि शंकर की वैष्णव नाम कथा संभव भगवान की सबसे प्यारे भगत श्री भोले बाबा है। खैर माता पार्वती कथा सुनाती है, शंकर जी कथा सुनते हैं, पार्वती कितने दिन में कथा को विश्राम देते हुए 2 साल। शंकर जी जितने सुंदर रूप में व्याख्या करते हैं, पार्वती उससे भी ज्यादा सुंदर रूप में पार्वती कथा को व्याख्या करती है। और माता पार्वती कथा में और भी ज्यादा रस है, जो क्यों जो पार्वती के वैष्णव थे, ये वैष्णवी देवी है, नाम सुने में वैष्णवी, वैष्णवी मतलब कि आप जो विष्णु को उपासना करती है। अभी स्वयं विष्णु आए, बोले ठाकुर जी आपका आदेश पर जगत को तो पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ। कल आप भी कथा सुना और कथा सुना, इसलिए स्वयं नारायण जब ये भागवत कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी बैठे कथा सुनती है। और नारायण कितने दिन में कथा को विश्राम देते हैं, बल्कि 1 महीना। फिर माँ लक्ष्मी कथा करती है, फिर विष्णु बैठ कर कथा सुनते हैं, लक्ष्मी कितने दिन में कथा को विश्राम देती है, बल्कि 2 महीना। इसलिए देखो ये कथा का कितना प्रभाव है। स्वयं ब्रह्मा जी ये भागवत कथा से दुनिया को सृष्टि करते हैं, स्वयं नारायण ये भागवत कथा के प्रभाव से दुनिया को पालन करते हैं, स्वयं शंकर जी ये भागवत कथा से जगत को संहार करते हैं। मानो ये विश्व ब्रह्मांड का जो सृष्टि स्थिति और प्रलय केवल ये भागवत कथा के प्रभाव से ही, ये दुनिया की सृष्टि स्थिति प्रलय केवल ये भागवत कथा के प्रभाव से ही सारा दुनिया चल रहा है। इतने ये भागवत कथा की महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। थोड़ा जोर से जयकार लगाओ, क्योंकि जितने जोर से जयकार लगाएंगे ना उसका उतना ही पाप खत्म होगा और उतना ही पुण्य उदय होगा। जय श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। देखो अभी बता रहे हैं कि भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए, भागवत कथा को सुननी कैसे चाहिए। अभी मैं बताऊंगा श्रोता कितना करेगा, फिर मैं आपसे कल सुनूंगा, ठीक है? जो मेरे को बोल देगा ना मैं बढ़िया इनाम दूंगा उसको, जो मैं कल सुना देगा, ऐसे सुनना जैसे कल मेरे को सुना सकते हो। कहते श्रोता भागवत के 2 तरह के, कितने तरह के बोलो जोर से, 2 तरह। एक श्रोता बढ़िया श्रोता, उत्तम श्रोता, और एक श्रोता वो घटिया श्रोता है, एक उत्तम और एक कनिष्ठ। जो उत्तम श्रोता वो 5 तरह के, कितने तरह के? 5। बोले पहला नंबर हंस, बोले हंस मतलब क्या, जैसे हंसों का आप दूध दो देखना उसका अंदर में एक विशेष गुण है, वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ेगा। कथा कैसे सुननी चाहिए, हंस जैसे सार को ग्रहण करो और असार को छोड़ दो। दूसरा नंबर मधुमक्खी, एक होता है मधुमक्खी और एक होता है मक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। पहले मक्खी क्या करता है, जहाँ गंदी चीज है ना वहीं पर बैठेगा, और मधुमक्खी क्या करता है, फूलों से ऊपर बैठता है, हैं? वो फूलों को ऊपर बैठे करके भले ही कांटा वृक्ष में क्यों फूल नहीं हो, देखना मधुमक्खी वहां बैठी करके वहां से शहद लेकर के बड़े सुंदर एक छत्ता बना लेता है जो ठाकुर जी की सेवा में लेता है। लेकिन मक्खी कहाँ बैठना है, गंदी चीज को करो, इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, मधुमक्खी बननी चाहिए। कहते दूसरे नंबर के हैं, बोले तीसरे नंबर का मछली, मछली देखते हो सबके साथ, आप देखना मछली का जो आंख है वो कभी छपती नहीं, पलक नहीं झपती है, उसकी पलक खुली ही रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे, मतलब क्या, टकटक लगा कर एक मन से, नजर जैसे हमारी इधर उधर नहीं जाए, एक मन से आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं फिर सो जाओगे, इसलिए आंख खोल करके जैसे कोई आश्चर्य चीज देखे ना आपके आप फाड़ फाड़ के देखते हैं, कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना कोई आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, उसी तरह भगवान की कथा के बराबर आश्चर्य मेरे को कुछ नहीं है, इसलिए आप खोल करके सुननी चाहिए। ये तीसरा नंबर है। बोले चौथा नंबर है, बोले चातक,
ये चंपरा एक चिड़िया है, इसका एक स्वभाव है वो किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, किसी नाला का पानी नहीं पिएगा, वो तब भी पानी पिएगा जब बारिश हो। स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और किसी पानी को नहीं पीता है। इसका मतलब क्या है? मतलब है कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं दुनिया में उसकी चुगली हो रही है, उसकी निंदा हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है, नहीं फजली की बात नहीं सुनेंगे तो केवल चात वजह से भगवत कथा हरि चर्चा सुनेंगे। हरि चर्चा सुन करके भगवत कथा के बगैर ना सब व्यथा है, कथा ही केवल ठाकुर जी की कथा बगैर ना सब व्यथा है। जैसे यहाँ पर बैठे हो आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है, लेकिन आप दुनिया की बात सुनो तुम कैसे हो? बोले ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की बात किसको सुनना? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई परिवार से दुखी, दुनिया की कथा सुन सुन कर दुखी हो जाओ। लेकिन अभी ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर कथा कैसे है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, भगवान रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, इसलिए उनकी कथा में आनंद ही आनंद ठाकुर जी कथा में, इसलिए चातक जैसी कथा सुननी चाहिए। कितना तरह का हो गया? चार तो पांच नहीं माना, पांच नंबर बताया तोता। कहते तोता में एक विशेषत्व है, वो किसी कच्चा फल में चोट नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल मीठा और कौन सा फल पका हुआ और कौन सा फल कच्चा, उसको पता है। वो चोट उसी फल में मारेगा जिस को पक्का फल हो, कच्चा फल में मुंह नहीं मारता। इसका मतलब क्या? हमें भी मुंह जहां तक नहीं मारनी चाहिए, मुंह तो मारनी चाहिए पक्के फल में। पक्के फल मतलब ठाकुर जी की भक्ति में, ठाकुर जी की भजन में, ठाकुर की कथा में ही मुंह मारो, जिस चीज में भी मुंह मत नहीं मारनी चाहिए। ये पांच तरह का हो गया अच्छी कथा सुनने का, मतलब पांच तरह के होते हैं जो गंदे सुनता है। पहला नंबर भुरुड, ये एक चिड़िया ये हिमालय पर्वत में रहता है, इसका स्वभाव है आप इसको जैसे सुनाओगे ना ठीक आपको दो बार कैसे ही सुना देगा, लेकिन वो करते समय पूरा ऊपर उल्टा करेगा। मतलब ये है सुन भी लेंगे सुना भी देंगे लेकिन जीवन में एक अक्षर नहीं होता है, सुनेंगे सुनाएंगे दूसरे के लिए सुना देंगे लेकिन अपना जीवन में उतारेंगे नहीं। ये भूल। दूसरा नंबर ऊंट, आप लोग सब ऊंट देखते हो, ऊंट को कोई कोमल कोमल कोई बढ़िया बढ़िया कोई पत्ते दोनों नहीं खाएगा, वो क्या खाता है? वो बबुल का पेट फूटेगा, कांटा का पेट फूटेगा, वो कांटा पेट खाएगा, बबुल पेट खाएगा, उसमें कांटा हो। मतलब क्या? जो भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा को नहीं सुनते थे, जिसमें कांटा होना कांटा मन से दुखी दुखी हो उसी नहीं वो मुंह मारता है, वो अच्छे पत्ते को नहीं खाता है, यदि ऊंट है। तीसरा नंबर है बैल, आप बैल को कोई बढ़िया बढ़िया अंगूर कोई आपेल कोई केले कोई सुंदर सुंदर फल दो और उसका घास भूसा दे दो, तब ये दोनों में ये फर्क नहीं समझता है, ये दोनों को बराबर मानता है। मतलब क्या? जो व्यक्ति ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनिया की निंदा चुगली चर्चा हो जो कुछ हो पास बैठ के कथा सुन ले जाएंगे, बोले नहीं भाई आप कथा सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे बैल जैसे नहीं। और चौथा नंबर है भेड़िया, ये भेड़िया एक छोटा जाति का एक बाघ होता है, वो हिरण को तभी वो आक्रमण करता है पकड़ता है जब हिरण किसी सुली शब्द को सुने उसको कान भरा हुआ था उसको सुनने लग जाता है, और ये छोटा बाघ उसी समय में आक्रमण करता है। मतलब क्या? मतलब ये है कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जिनको कथा कथा से कोई मतलब नहीं है, वो कथा सुनते नहीं लेकिन जो पास में बैठने वाले व्यक्ति है ना उसको भी सुनने नहीं देते। हाँ ध्यान देकर सुना, प्रसिद्धता बिहारी लाल की। देखो कथा सुनने का एक नियम है, आप जिसको जानते हो ना कभी भी उसको पास में बैठा, आप जिसको जानते हो थोड़ी सी उससे अलग होकर बैठ जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा? बिना जानने के कारण हम कथा उसको जानते हैं बात करने लग जाएंगे। इनको कहते भेड़िया है, कितने तरह का हो गया?
कितना कितना तरह हो गया चार कोई नहीं गिन रहे कितना हो गया चार चार हो गया हाँ सही से गिन रहे अर्जुन पंचमा का वर्णन कर रहा है ये गधे को पीठ ऊपर एक कहना जहाँ पर पहाड़ अंचल हो उसको ऊपर में चीनी आलू चावल घी सब उसको पीठ के ऊपर में लद कर ले जाएंगे लेकिन कभी भी उसको एक पन्ना नहीं खिलाएंगे कभी उसको एक गिलास शरबत बना कर नहीं खिलाएंगे खिलाएंगे कभी भी उसको चावल नहीं खिलाएंगे वो क्या खाएगा वही घास ही खाता है इसलिए कभी कभी हम पीठ के ऊपर में बहुत सारे शास्त्र को तो ढोक करके ले जाते हैं पढ़ते हैं लेकिन अपना जीवन में एक चीज को अपना जीवन में नहीं उतारते हैं इसलिए पांच तरह का अच्छा श्रोता नहीं बेकार श्रोता माने मतलब और भी तीन तरह का श्रोता है श्रोता सरोता और श्रोता श्रोता सरोता और श्रोता बोले श्रोता मतलब क्या है श्रोता मतलब जैसे पांच तरह के जो अच्छा श्रोता का नाम सुनिए श्रोता बोले भैया श्रोता मतलब क्या बोले वो देख करके बैठते हैं कहाँ पर बैठने पर भैया नींद आए वो देख देख कर बैठेंगे जहाँ पर बैठने पर बढ़िया नींद आएगी इनको बोले श्रोता बोले सरोता मतलब क्या बोले सरोता मतलब होता है जो कथा सुनने नहीं आते वो केवल दोष ढूंढने के लिए आते हैं बोले भैया कथा हो रही है भागवत कथा या तो तोता लगाए ये नवग्रह पूजा कर किए हैं बोले केले का पेड़ कहाँ पर केले का पेड़ तो लगाए नहीं यहाँ पर और इसको तिलक नहीं लगाए और इसको क्या जिनकी कथा कथा से कोई मतलब नहीं जिनको केवल मतलब केवल दोष को ढूंढने के लिए आते हैं इनको कहते हैं श्रोता है ये जो कथा है ये भी कथा चार तरह की कितने तरह के कल मैं सबको पूछूंगा जो इस बात पता लगा ना क्योंकि कल मैं इनाम दूंगा इसलिए अच्छे तरह से सोच रहा हूँ इसलिए श्रोता चार तरह के कथा है एक सात्वी एक राजसी एक तामसी और एक देवो ये चार तरह का कथा है पहला नंबर है राजसी राजसी कथा किसको कहते हैं बोले कथा तो बड़ी धूमधाम से कथा के आयोजन की सारा दुनिया को निमंत्रण दिया है सारा दुनिया को कथा हो रही है आओ कथा हो रही है आओ लेकिन कभी कभी उसकी व्यवस्था में इतने लग गए कौन कहाँ पर रुकेगा कौन खाया नहीं कौन गया केवल उसकी व्यवस्था व्यवस्था में इतने कभी कभी पीछे हो जाते हैं मूल जो कथा सुनना वो कथा ही नहीं सुनता है उसको कहते हैं राजसी कथा है तामसी कथा किसको कहते हैं जैसे सात दिन तक कथा हो रही है कभी बीच में आए नहीं तो लास्ट में आए कभी बैठ ही गए मन लगाएगी एक चक्कर घूमना करके आ गए हाँ कभी सुने कभी नहीं सुने हाँ किसी तरह से ये सात दिन कब खत्म होगा खत्म होगा बहुत हो ही नहीं रहा है चटपट चटपट कर रही पर ये कथा को कहते हैं तामसी कथा ये कथा सही कथा नहीं है और एक कथा है सात्विक कथा सात्विक कथा किसको कहते हैं जैसे एक महीना हो नहीं तो दो महीना हो कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं ये कथा बता से कोई मतलब नहीं लेकिन सही कथा क्या है ये एक कथा किसको कहते हैं बोले सदा सेव्यम श्रीमती भागवत वार्ता जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतन समाश्रय बोले सही कथा वो है जिसने अपना जीवन को ही कथा बना अपना जीवन को ही कथा बना ले रोज नियमित करके गीता हो नहीं तो श्रीमद भागवत ग्रंथ हो नहीं तो रामायण हो जिसको नियमित पूर्वक सुन नियमित पूर्वक नहीं तो घर में रोज करके नियम करके स्वयं पढ़े कहते जिस घर में अगर ये भागवत का कोई एक श्लोक भी अगर किसी घर में पढ़े ना बोले एक श्लोक भी आधा बोले आधा नहीं एक चौथाई किसी घर में अगर भागवत की एक चौथाई श्लोक कोई पढ़े कहते उसको घर में साक्षात बांके बिहारी अपना राधा रानी को साथ में कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपना तो साथ में उसी घर में निवास करते हैं केवल आधा
पास आकाश को बगैर किसी घर में पढ़ाई हो जाए, इतने महिमा है। देखो हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, ध्यान देकर सुनो, हमारे जो बड़े गुरु जी थे, इनको किसी ने आ करके बोला, गुरु जी बेटा बात नहीं सुनता है। गुरु जी ने बोला, बेटा रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं। बोले बेटे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले देख बेटा, जो रामायण नहीं पढ़ेगा और बेटे को रामायण नहीं पढ़ेगा ना, उसको यही दंड है, उसको यही सजा है। क्योंकि अगर तुम रामायण पढ़ते, बच्चे को रामायण पढ़ाते, रामायण में लिखा हुआ है, प्राग ऊठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमन माता। भगवान सवेरे उठ करके पहले क्या करते थे? पहले पिता माता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूते थे, ठाकुर जी उठ करके। अब रामायण सुने होंगे, भगवान स्वयं पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास में चले गए। पिताजी की दशरथ महाराज मना कर रहे थे, मत जाओ, तभी कहते हैं रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए करो वचन न जाए। ठाकुर जी 14 साल के लिए ठाकुर जी वनवास में गए। अभी अपना बेटे को बोलो 14 साल या 14 दिन के लिए मेरे आदेश को पालन करके पालन करो, बेटा सुनेगा? अपना मनमर जी तो 14 दिन के लिए घूमने जा सकता है, लेकिन पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए एक दिन भी पालन नहीं करेगा। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, भैया अगर रामायण नहीं पढ़ोगे, अगर बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे ना, फिर उसका सजा तुम्हें तो होना पड़ेगा। बच्चों को स्मार्टफोन पकड़ाओगे, 10-10, 20-20 हजार की स्मार्टफोन हम बच्चों को पकड़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं करते, बेटा तुम्हारा रामायण पढ़, गीता पढ़, भागवत पढ़, उसको बोलते नहीं, खुद नहीं पढ़ते, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे, अगर जीवन में घर को अगर अयोध्या बनाना चाहते हो, राज्य का नाम तो अयोध्या, अयोध्या मतलब क्या? जहां कभी युद्ध नहीं होता था। अवध, अवध मतलब क्या? जहां पर कोई बध नहीं होता था, कोई मरते नहीं थे। अगर अपना घर को अगर हम चाहते हैं अयोध्या बनाना, तो क्या करो? स्वयं घर में रामायण पढ़ो और बच्चों को भी रामायण पढ़ाओ। इंडोनेशिया आप नाम सुने हो, मुसलमान कंट्री है, हमारे भारत से साधुओं को बुला के लिए जाते हैं, बोले हमारे यहाँ पर आप रामायण सुनाओ हमारे बच्चों को। बोले क्यों? तथा हमारी घर की बेटी और बहू संस्कार बनी थी। कारण क्या? एक धोबी थी, वो कहीं गई अपना पीहर, आते समय एक रात रुक गई, तो पति ने पूछा, पिछले आदमी तो कहाँ बिता है? बोले ऐसे ऐसे हो गया। बोले जहाँ पर बिता है वहीं पर चले। और इसी वजह से भगवान राम को सीता को त्याग देना पड़ा। क्यों? जब तुम आदर्श दिलाने के लिए घर का बेटी को सती बन करके रहे। इसलिए राम राज्य अगर हम लाना चाहते हैं ना, अयोध्या, अयोध्या मतलब जहाँ पर कभी युद्ध नहीं हो, जरूर खुद रामायण पढ़ो और बच्चों को रामायण पढ़ाओ। आप देखना आपका घर भी ये अयोध्या बन जाएगी, घर भी अयोध्या बन जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? घर में देखना जितने रोज तो न्यूज पेपर को ला करके रोज रोज पढ़ते हैं, घर में नाटक डबे उल्टा पुल्टा हीरो हीरोइनी का पिक्चर घर में चारों तरफ में छपाया हुआ होगा, वो पुस्तक होगा, कोई ग्रंथ, कोई भक्ति ग्रंथ नहीं होगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो चीज को दे करके वो संस्कार को लाओ। देखो आप मुझे सही घटना सुनाता हूँ, हम लोग इसको का नाम सुने सुने विकास में, एक समय गीता जयंती है, गीता जयंती में अमेरिका की घटना है, गीता जयंती में इसको के भक्त लोग गीता बेच रहे थे, एक व्यक्ति एरोप्लेन से उतरा, जब उतरा वो गीता जयंती में लाइन में होकर खड़े हो रहे थे, गीता बेच रहे थे। बोले गीता लोग बोले बेटा कर रहे हैं, वो अंग्रेजी था, लेकिन दूसरा जगह पर बोले भाई गीता बोले, लेकिन तेरा 8-10 व्यक्ति लाइन में खड़े थे, वही घर कितने को दान आ गई, उसने $4-5 से उसने एक गीता पुस्तक खरीदी। देखा जो बेकार चीज किस काम का है, जो ड्रग रखी तो बेकार चीज है। एक दिन वो व्यक्ति इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आया वो व्यक्ति, एक दिन वो सुइसाइड करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए बेटा, और सुइसाइड करेगा। इतने में जिस ड्रग में उसका बंदूक था ना, उसी ड्रग में भगवत गीता, वो ड्रग को निकाला बंदूक को पकड़ने के लिए,
लेकिन देखो ठाकुर का क्या इच्छा है, वो बंधु को तो नहीं आया, आया भगवत गीता। वो घर नहीं जा रहा था, उसने सोचा भैया गीता है वो तो मरने जा रहा, खोल करके देखे। जब उन्हें हाफ पेज को निकाला उसमें कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, बोले क्या समझा रहे, बोले अर्जुन हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। जैसे हम एक वस्त्र, जैसे पुरानी होने पर वो वस्त्र को त्याग दे करके हम एक नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी तरह जो जीवात्मा ये पुरानी शरीर को छोड़ देकर नए वस्त्र, नए शरीर को धारण करते हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा। अगर जीवन में वास्तव शांति पाना चाहते हो, जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कि पिंजरा है, किसी को अच्छा से समझो, जैसे कि पिंजरा है उसमें एक तोता है, अगर वो तोते को तुम खाना मत खिलाओ, तीन बार पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, आप बताओ तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। तो उसी तरह हम तो शरीर को विभिन्न मामला में ले जाते हैं, शरीर को तो जीव में ले जाते हैं, शरीर के लिए तो चवन प्राण से खाते हैं, लेकिन असली जो हम हैं ये शरीर में रहने का नाते, जो शरीर जिंदा हुआ है, अगर वो निकल जाए ना एक घंटा के लिए भी घर में हम नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे। इस उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये अर्जुन समझा रहे हैं, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन अगर तुम इस जीवन में वास्तव शांति पाना चाहते हो, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर जीवन में तुम परम सुख परम आनंद पाना चाहते हो, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक जीवन में शांति नहीं मिलेगी तुमको। वो व्यक्ति सुसाइड करने बदले जा रहा था, वो मरेगा क्या, वो रात भर उसने गीता को पढ़ते रहा, रात भर उसने गीता पढ़ा, उसने गीता पढ़ने के मरना उसने छोड़ दिए। अब वो ढूंढा भैया ये गीता आई कहां से, ये गीता कहां से भी आया कहां से, उसने फोन नंबर दिया हुआ था, एड्रेस दिया हुआ था, उसने फोन किया, वहां स्कूल का एक ब्रांच था, वो फोन किया, वहां पर कुछ संत लोग थे, उसने कहा मैं आप लोग से मिलना चाहता हूं, मिल सकता हूं, जरूर आओ। तो वो व्यक्ति वहां पर गया, जाकर उसने सारी बात बताया, हम बड़े डिप्रेशन में हैं, हम शांति सुख में नहीं हैं, आप बताओ हमको क्या करनी चाहिए, ये गीता पढ़ लेते तो जीवन बदल गया। खैर उन लोगों ने बताया देखो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है, मम मांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, सब हमारे ठाकुर जी के बच्चे हैं, दुख का कारण किया है, अगर कारण है तुम उसको भूल गए, तुम उसको भूल करके, इसलिए ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है, उसमें तीन द्वार आता है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। देखो ये चीज को समझो, बोले अतः मतलब क्या, बोले जीवन में हम सबके सब सुख ढूंढते हैं, अब बताओ सुख ढूंढते ना दुख ढूंढते हो, क्या ढूंढते हैं जीवन में, शांति और सुख ढूंढते हैं जीवन में, बोले क्यों सुख ढूंढते हैं, दुख क्यों ढूंढते हैं, दुख हम क्यों नहीं ढूंढते हैं, सुख क्यों ढूंढते हैं, कारण है हम सबके सब अमृतस्य पुत्रा, हम साधारण घर के बच्चे नहीं, हम अमृत के पुत्र हैं, भगवान जगन्नाथ की संतान हमें। लेकिन दुख का कारण अतः अतः जीव तो सुख ढूंढता है लेकिन सुख मिलता नहीं। जैसे सामने एक समस्या, हम सोचते हैं अगर किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए ना हमें शांति मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखना एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने दो समस्या है। फिर कोशिश करते हैं भैया दो समस्या दूर हो जाएगा शांति मिलेगी, देखना तीन समस्या सामने, जिस हाथी दल दल में फंस जाती है, ऐसे ही जिंदगी में सुख ढूंढते ढूंढते गलत, केवल दुख का प्रतिकार वही सुख मानते हैं, जीवन में सुख नहीं मिलता है, केवल दुख का प्रतिकार को सुख मानते हैं, शायद ये चीज अगर दूर हो जाएगी फिर हमें सुख मिलेगा, ऐसे करते करते जीवन बीत जाती है। फिर प्रश्न ही भैया सुख क्यों नहीं मिलता, ये ब्रह्म सूत्र कहता है, अथातो अथातो बाद में अतः आता है, अतः मतलब होता है जहां हमें ढूंढनी चाहिए हम वहां नहीं ढूंढते, गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। जैसे आपका कोई चीज यहाँ हो गया, अगर यहाँ ढूंढे नहीं
अब रोड में जाकर ढूंढता हूं, मिलेगा नहीं मिलेगी। जहां तुम्हारी समस्या है, जहां तुम्हारी कल्प, वहीं पर ढूंढो। मूल जो दोष है हम ठाकुर को भूल गए, इसलिए दुख आ रहा है। अगर सुख पाना चाहते हो क्या करो, ब्रह्मा जी की आशा, वो ब्रह्म को पास में जाओ। ब्रह्म मतलब क्या है, जो बड़े हैं, जो हमें बड़ा बना सकता है, जो सुख स्वरूप है, जो हमें सुख दे सकता है, जो आनंद स्वरूप को आनंद दे सकता है। कौन दे सकता है, श्री जगन्नाथ जी दे सकते हैं, भगवान हमें दे सकते हैं। अगर हम जीवन में सुख पाना चाहते तो क्या करो, भगवान की शरण में जाओ। देखो वो जो अंग्रेजी था ना, वहां पर गया हरिकथा सुनी, उसने सुइसाइड करना छोड़ दिया, उसने साधु बन गया। अभी भी वो संत हैं, हमारे जैसे सन्यासी वेश लेकर के ना, हमारे जैसे साधु बन करके अभी ये पृथ्वी में ये गीता धर्म को प्रचार करते हैं। ये गीता को प्रचार कर रहे हैं पृथ्वी में, हमारी ये सनातन धर्म गीता प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम तो हिंदू हैं, लेकिन बताओ गीता कौन पढ़ता है, बोलो। हिंदू धर्म का हमारा मेन ग्रंथ गीता, लेकिन आप लोग देखना शुक्रवार का दिन देखना, मुसलमान लोग इतने छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके मेन रोड के ऊपर बैठा करके अपना नमाज पढ़वाते हैं, अपना मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। कंपल्सरी उनका धर्म में कंपल्सरी है कि नमाज को पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने एक समय जयपुर में कथा करने के लिए गया था, 5 साल का एक बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देखा। मैंने उसको पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? वो जो नाम बोला, वो नाम से मेरे को पता चला मुसलमान लड़का है। मैंने कहा, तेरे को अपना कुरान आता है? तो झटाधट कुरान पढ़ना शुरू कर दिया एकदम झटाधट। मैंने कहा, भैया कितने साल से तुम्हारे धर्म में ये कुरान को सिखाते हैं? बोले, हमारे धर्म में 3-4 साल उम्र में ये कंपल्सरी ये कुरान को पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। हम हिंदू है, बताओ कौन ये गीता पढ़ता है? बच्चे को कौन गीता पढ़ाता है? कौन गीता नहीं, तो बच्चे हमारी बात क्यों सुनेंगे? अभी देखो आप लोग बुरा बताना, मैं गया था फरीदाबाद में, एक ओल्ड हाउस में गया था। एक ओल्ड हाउस में देखा करोड़ों करोड़ों पति का व्यक्ति घर में वो ओल्ड हाउस में करती है, जिनकी 500 गज की घर है, 1000 गज की घर, वो सब ओल्ड हाउस में बैठे। हमने वहां पर सब कथा सुनाई, बोले बाबा हमसे गलती हो गया। बोले क्या? बोले बच्चों को तो हमने एक एटीएम कार्ड बनाया है, पैसा कमाओ, इंजीनियर बने, डॉक्टर बनो, लेकिन बच्चों को कभी हमने गीता भागवत नहीं पढ़ाया। अगर बच्चों को गीता भागवत पढ़ाते ना, अभी हमारी जिंदगी ओल्ड हाउस में नहीं मिलता, ये ओल्ड हाउस में हमारी जिंदगी नहीं मिलती। अगर बच्चों को ये गीता भागवत अगर हम पढ़ाते तो वो संस्कार करते, हमें सेवा करते। लेकिन पढ़ो 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 पढ़ो, समझ रहे कि नहीं? इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपना संस्कृति को साथ में बढ़ाया करो। कहते हमारा घर क्या होगा, अयोध्या बन जाएगा, राम राज्य बन जाएगा हमारे घर, भगवान की धाम ये वैकुंठपुरी बन जाएगा। लेकिन बच्चों को संस्कार मिलेगी कहाँ से, ये चीज को समझो। बच्चों को संस्कार तभी मिलेगी, पहला गुरु माता पिता, पहला गुरु कौन है बता, पहला गुरु कौन है, माता पिता। अगर माता खुद अगर गीता पढ़ती है, भागवत पढ़ती है, फिर तो बच्चों को बता सकती है ना, बेटा पढ़ो। अगर स्मार्टफोन में ही गेम खेल रहे हैं, बच्चे को बोले तू गेम मत खेलो, बच्चा सुनेगा तुम्हारी बता, बच्चा सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। इसलिए पहला गुरु पिता माता है। सबसे पहले माला जप करो, गीता पढ़ो, फिर बच्चे को बोलो, फिर बच्चा तुम्हारी बात सुनेगा, ठीक है ना? पहला गुरु पिता माता, पहले हमको पहले बदलना पड़ेगा, पहले हम अपना जीवन को सुधारना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे भी सुधरेंगे। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम लोग कोई बोल नहीं, कृष्णा कृष्णा हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama।
So